नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी TSSC एग्ज़ाम रिजल्ट और एग्ज़ाम अपडेट के बारे में। तो यूपी TSSC की जितनी भी न्यूज़ है एग्ज़ाम से रिलेटेड, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की दोनों वैकेंसियों में रिजल्ट यहाँ पर कब जारी होगा और यूपी TSSC जो सेकेंड वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम यहाँ पर कब होगा। यूपी ITI इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे, मुख्य सेविका के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और वीडियो PO के एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देख लेते हैं, दोनों वैकेंसियों के बारे में देखते हैं। तो ये वैकेंसी यहाँ पे 2019 में आई थी और इसका एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो यहाँ पर फरवरी में जारी हो चुका था। टोटल पोस्ट यहाँ पर 1262 वैकेंसी थी, 15174 यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ था फरवरी में। तो इसका टाइपिंग टेस्ट पहले यहाँ पे मई में होने वाला था, लेकिन इसका जो टाइपिंग टेस्ट है अब जुलाई में फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में यहाँ पे होने के चांसेस हैं। जून के मध्य वीक में यहाँ पे आपके पास नोटिस आ जाएगा टाइपिंग का। जूनियर असिस्टेंट की दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये 2023 में आई थी, ये 2022 के पैट पर आई हुई थी। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 5500 यहाँ पे 12 है। इसमें टोटल जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो 246113 कैंडिडेट यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो अगस्त में जाएगा। अगस्त से पहले इसका एग्ज़ाम है यहाँ पे नहीं होने वाला है, अगस्त के बाद इसका एग्ज़ाम होगा, अगस्त के लास्ट वीक में। अब यहाँ पे ITI इंस्ट्रक्टर अनुदेशक भर्ती के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ITI अनुदेशक भर्ती के बारे में एक बार बात करें तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 2406 पोस्ट थी और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो हुए थे वो 3428 थे। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लगभग 3321 स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, 107 स्टूडेंट थे जो है वह एग्ज़ाम में अब्सेंट रहे थे। अब यहाँ पे कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं और इसके रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में देखें तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इन तीन ट्रेड की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रह सकती है। कट ऑफ 50 से 53 के बीच में यहाँ पे जा सकती है। और यहाँ पे अगर रिमेनिंग जो ट्रेड है उनकी कट ऑफ के बारे में देखें तो उनकी जो रिमेनिंग कट ऑफ है वो 45 से 48 के बीच यहाँ पे रह सकती है। अगर इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसका जो रिजल्ट है जून के लास्ट में आपके पास यहाँ पे जारी हो जाएगा और इसके जो DV है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जुलाई में होने के यहाँ पे चांसेस है। कोर्ट स्टे के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है, कोर्ट स्टे नहीं है। कोर्ट का जो कोई भी स्टे है अभी तक इस वैकेंसी पर नहीं लगा हुआ है। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं मुख्य सेविका के बारे में। तो मुख्य सेविका के बारे में बात करें तो ये वैकेंसी 2021 के पैट पर आई थी और ये लेखपाल के बाद दूसरी वैकेंसी थी। इससे पहले लेखपाल की वैकेंसी यहाँ पे आई थी, तो लेखपाल के बाद दूसरी वैकेंसी थी। इसमें टोटल पोस्ट 2693 थी। जो कैंडिडेट इसमें यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो 45857 थे। लगभग 68% स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, लगभग 31182 स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। 2021 पैट पे ये वैकेंसी आई हुई थी। अब यहाँ पे इसकी रिवाइज्ड आंसर की के बारे में बात करें तो रिवाइज्ड आंसर की में 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत पाए गए थे, तो उनके मार्क्स यहाँ पे सभी स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। तो अनीता सिंह कोर्ट केस के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो इस पर कोर्ट केस यहाँ पर चल रहा है। तो 1 सितम्बर 2022 को पहली वाली तारीख थी और अभी लास्ट में 9 मई को जो लास्ट तारीख थी वो 2024 थी। इसमें 2 से 3 तारीख यहाँ पे और लगने वाली है। जो नेक्स्ट तारीख है वो जून में है और इसमें 2 से 3 तारीख मैक्सिमम लगने वाली है और ये कोर्ट केस जो है वो खारिज कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है, इसके रिजल्ट जो जारी होने के चांसेस यहाँ पे हैं वो जुलाई में 2024 में यहाँ पे आपको रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसकी फाइनल ज्वाइनिंग नवंबर 2024 तक यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो कोर्ट केस यहाँ पे खारिज होने वाला है ये। अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, फाइनल कट ऑफ यहाँ पे कितनी रहने वाली है, तो जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 58.60, EWS की बात करते हैं तो 53.35, OBC की बात करें तो 56.30, SC की बात करें 51.54 और ST की बात करें यहाँ पे 47.38 के आसपास यहाँ पे आपकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। एक नंबर मैक्सिमम, एक नंबर ऊपर नीचे यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है, एक नंबर ऊपर या नीचे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी है वीडियो VPO की वैकेंसी। ये वैकेंसी भी यहाँ पे
2023 में आई थी और ये 2022 के पैट पर आई हुई थी। इसमें टोटल पोस्ट थी यहाँ पे 1200 प्लस इसमें टोटल पोस्ट थी। अब यहाँ पे अगर टोटल कैंडिडेट की बात करें, जो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, 65,000 के आसपास यहाँ पे टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त 2024 के बाद ही होगा, उससे पहले इसका यहाँ पे एग्ज़ाम होने के कोई चांसेस नहीं है। इसका एग्ज़ाम अगस्त 2024 के बाद ही होने वाला है।